मुख्तार, तुम इस वक्त लॉन में? आज वॉक पे नहीं गए, सब खैरियत? विजयन, आप अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। ये तुमने अच्छा सीख लिया है कि सवाल पर सवाल ही कर लो। ये आदत कब से अपना ली तुमने? कुछ नहीं बीजान, बस जरा ऑफिस में काम ज्यादा है तो थक गया था। तनी क्या मुसीबत है, कब जाएंगे ये? मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना है मामा। शायद बीजान का ही वेट कर रहे हैं मुख्तार भाई। अरे भाई, बीजान से बात करनी है, जिससे भी बात करनी है अंदर बैठ के बात करें ना। मुझे जाना है, डैड से मिलना है, कुछ चीजें भी डिस्कस करनी है। आप बोलते ना दोस्त के पास गई, मैं जा रही हूँ। तुम सब्र करो, ये जो तुमने मुंह भर भर के भाभी को बातें की है ना, ये जरूर उन्होंने बीजान से की होंगी। और अब बीजान मुख्तार भाई से कर रही है और तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। करूं मैं तंग आ गई हूं भाई। चलो देखते हैं, चलो चलो। कुछ मामला ऐसे हैं जिनको मैं जितना सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, सच पूछे तो वो उतना ही उलझते चले जा रहे हैं। जरा ही हाथ नहीं लग रहा, क्या करूं? और से देखो, हो सकता है कि सरा तुम्हारे सामने ही हो और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। मैं समझा नहीं। देखो बेटा, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो अच्छा तो नहीं था ना। मैं, तुम, घर के सारे ही लोग बहुत उलझे हुए, बहुत परेशान है इस बात से। बल्कि जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि सभी इस उलझन को सुलझाना चाहते हैं। नहीं बीजान, कोई भी उसको सुलझाना चाह नहीं रहा। आज जो कुछ हुआ ना ऑफिस में, अगर मैं आपको बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे।